स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था, हमारा जो एक्सरसाइज 2 है उसके क्वेश्चंस हमने देखे थे, उसको सॉल्व किया था यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ना। अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2B। 2B करने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे उसमें क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये बोला जाएगा कोई भी एक नंबर है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? अ नंबर रिटर्न एज m into 10 raised to power n, 10 की पावर n is said to be in standard form. एक ऐसा नंबर जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, m into 10 raised to power n, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमने वो नंबर। यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो आपका m और n है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो m है वो m नंबर क्या होना चाहिए, आपका एक डेसिमल नंबर, यानी कोई भी एक डेसिमल नंबर जिस होना चाहिए उसकी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेस टू पावर n से। एंड जो m की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या उससे ग्रेटर और 10 से लेस। यानी m के पास हमारे पास दो कंडीशन है, m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक तो डेसिमल नंबर और ये किसके बिटवीन लाया करेगा, 1 एंड 10 के बीच में लाया करेगा। एंड n क्या होता है, इधर अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर। एन कुछ भी हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। सो जो एन है उसकी वैल्यू हम होगी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो गिवन नंबर है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57.36। तो देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जो m की वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, 1 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 57 पॉइंट है सो ये बीच में लाए नहीं कर दिए। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है 5 हमने वो लिखा है, देन उसके बाद में हमने डेसिमल लगाया, देन हमने नेक्स्ट डिजिट लिखी है 736। अब आप देखिए आपको क्या करना है, जो 10 की पावर है वो क्या बनेगी, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है वो 10 की पावर होगी। सो डेसिमल के बाद यहाँ कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, सो यहाँ पे आपकी पावर क्या आ जाएगी, 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखिए आप, 273 किससे मल्टीप्लाई होगा कि आपका 273,000 आएगा, हमने 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 को हमने सेपरेट कर दिया। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, सो तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया डेसिमल पॉइंट 2 के बाद, देन हमने लिखा है 73 इंटू 10 डेज टू पावर कितनी बन जाएगी, देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 2 डिजिट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पावर 2। अब ये जो हमारा 1000 है ये इसकी पावर कितनी है, 10 में कितने जीरो है यहाँ पे, 3, तो इसकी पावर हो गई है 3। अब हमारे जो बेस इक्वल है तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारा आंसर आएगा 2.73 10 रेस टू पावर 2 का 2 और 10 रेस टू पावर 3, 2 प्लस 3 5, तो यहाँ पे हमारी पावर हो जाएगी 10 रेस टू पावर 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी हम कैसे लिखेंगे, 168 मल्टीप्लाई विथ 1, कितने जीरो हैं, 2 4 एंड 6, सो 60। अब देखिए हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो हम फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, सो 1.68। यहाँ पे देखिए 10 रेस टू पावर कितनी हो जाएगी, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 पावर लग जाएगी, और ये जो हमने लिखा है इसकी पावर कितनी है, 6, क्योंकि यहाँ पे 60 है। सो अब देखिए पावर प्लस हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है, सो 2 प्लस 6 8, सो यहाँ पे आ गया हमारा 1.68 इंटू 10 रेस टू पावर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3.345, सो हम क्या लगाएंगे, 3 के बाद में डेसिमल, सो ये हो गया 3 डेसिमल 45 मल्टीप्लाई विथ 10 रेस टू पावर कितनी आ जाएगी आपकी, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो पुट
दो जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, टू हो जाएगी एंड टेन रेज टू पावर फाइव। अगेन यहाँ पे 3.45 जो टेन रेज टू पावर टू और टेन रेज टू पावर फाइव है, तो 2 + 5 = 7, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है इसलिए आपकी पावर प्लस हो गई। तो हमारा आंसर आ गया 3.45 इंटू टेन रेज टू पावर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म जो सिंपल फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूजुअल फॉर्म। सो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें लिखा हुआ 3.74 इंटू टेन रेज टू पावर 5। तो देखिए 3.74 इंटू टेन रेज टू पावर 5, टेन रेज टू पावर 5 मीन्स कि जो आपका 1 है उसके पीछे कितने जीरो है, 50। ओके, तो मैंने 10 रेज टू पावर 5 को ऐसे लिख दिया। नाउ 3.74 डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लगता है 1। डेसिमल के बाद में आपके पास कितने डिजिट है, ओनली 2 डिजिट, तो यहाँ पे हम कितने जीरो पुट कर देंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे क्या है आपका 374 मल्टीप्लाई विथ कितना बचा है अब हमारे पास 1000। सो ये आ गया हमारा 1000, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पीछे 30 पुट हो जाएंगे, सो ये क्या है 374,000। अब हमारी यूजुअल फॉर्म में इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4.1253 इंटू टेन रेज टू पावर 7। सो 4.1253 टेन रेज टू पावर 7 मीन्स 1 के आगे आपके 70 है, सो हमने यहाँ पे 70 लगा दिए। नाउ डेसिमल रिमूव करेंगे हम यहाँ से, तो डेसिमल रिमूव करते हैं यहाँ पे क्या लगेगा 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास 40 नीचे डिनोमिनेटर में पुट हो जाएंगे। नाउ देखिए 40 से 40 कैंसिल, सो अब आपके पास क्या बचा है 41,253 मल्टीप्लाई विद 1000। सो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आगे जीरो पुट करने, जितने जीरो हमारे पास रिमेनिंग रहे उसको हमने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या लगती है हमारी यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन सेकंड का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 इंटू टेन रेज टू पावर 4। सो हम क्या करेंगे 2.5 को लिखेंगे, टेन रेज टू पावर 4 मीन्स 1 के आगे कितने जीरो आपके 40, डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं नीचे क्या पुट होगा 1, डेसिमल पॉइंट के बाद में आपके ओनली 1 डिजिट है तो 10 नीचे लगेगा, 0 से 0 कट, 25 इंटू 1000 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 25,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 1.679 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू पावर 9। सो 1.679 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीन्स 1 के बाद में 9 0 है, सो 1, 2, 3 हम 90 पुट कर रहे हैं। 1.679 से हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो ये डेसिमल रिमूव करते ही नीचे हमारा 1 पुट हो गया, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है आपके पास 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे, 30 से 30 कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 1679 मल्टीप्लाई विथ 1 के आगे कितने जीरो रिमेनिंग रहे आपके 6, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1679 के पीछे हम कितने जीरो लगा देंगे 60। सो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम यूजुअल फॉर्म में जो हमारे गिवन नंबर है उनको कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट गिवन है इसमें आपको द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है आपकी वो कितनी है 8,488 मीटर। राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ये नंबर गिवन है इसको हाइट जो गिवन है हमें माउंट एवरेस्ट की उसे हमें किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,488 मीटर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखा है हमने 8, 8 के बाद में हमने लगाया डेसिमल, देन
रिमेनिंग डिजिट, डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, सो 10 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसे 8.488 इंटू 10^3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ थर्ड क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 करोड़। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको इसे एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो अगेन सेम मेथड जो हमने पहले किया था, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसकी यूनिट जो है मीटर, तो आप यहाँ पे यूनिट भी लगाएंगे मीटर, यहाँ पे हमारी जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड है। सो देखिए अब हम क्या करेंगे, फोर्स नंबर हमने लिख दिया, फोर्स नंबर क्या हमारा 3। अब हमें लगानी है इंटू 10^ अब हमारे पास डेसिमल कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 3.0, ओके, इंटू 10^2। कितनी बार जीरो है, 8 times, तो हम यहाँ पे पावर क्या लगा देंगे, 8। सो हमारा आंसर क्या, 3.0 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ का मास है वो कितना है, 5.97 इंटू 10^24 kg, एंड द मास ऑफ मून इज, और मून का मास कितना है हमारे पास, 7.35 इंटू 10^22 kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू, तो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का टोटल मास कितना है। तो सबसे पहले देखिए हमें प्लस करना है, टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो सो टोटल मास इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम इन दोनों के मास को प्लस करेंगे, सो मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10^24 प्लस 7.35 इंटू 10^22। ये हमारे पास मास है ना, अब हमें इन्हें प्लस करना है। सो सबसे पहले देखिए प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 10^2 है उसको हम अलग रखेंगे। सो देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5.97 इंटू 10^2 इंटू 10^22। देखिए बेस इक्वल है तो आपकी जो वैल्यू है वो प्लस हो गई थी, जो पावर है 2 + 22 = 24 आ रही है, प्लस 7.35 इंटू 10^22। अब देखिए इन दोनों वैल्यू में से कॉमन चीज क्या है, 10^22, तो हम उसको साइड में लिख देंगे, 10^22 ये साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, तो ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया हमने इसको कॉमन। अब हमारे पास 5.97 मल्टीप्लाई होगा 10^2 से, सो देखिए 5.97 10^2 मीन्स 100, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 प्लस 7.35, तो यहाँ से 20 कैंसिल, आपके पास क्या रहा है, 597 प्लस 7.35 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10^22। हम इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए जब हमें प्लस करना होता है, जब हम प्लस करते हैं जो, तो हम डेसिमल नंबर जो है डेसिमल पार्ट उसको साइड में रखते हैं, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट लिखते हैं। सो 0.0+5 5, 0+3 3, 7+7 14 का 4 carry 1, 9+1 10, 10 का 0 carry 1, क्या है हमारे पास आंसर, 604.35 इंटू 10^22। तो ये हमारा निकल गया है टोटल मास, ओके। इसकी यूनिट जो थी हमारे पास वो क्या थी, केजी, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट भी लगाएंगे, वो क्या होगी, केजी, की जो आपका मास था वो केजी में गिवन था, तो जो हमारा आंसर है उसकी यूनिट भी क्या होगी, केजी, ओके।